हे फ्रेंड, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हों। चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली यू आर माई हीरो एपिसोड 10 की, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे ही ली जा रहा होता है, क्या हो रहा है, इतना मारपीट क्यों हो रहा है बचाने के लिए, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक लड़की आती है और वहाँ पे बहुत अच्छी लड़ाई करती है उन गुंडों की जो बेचारे को मार रहे थे उस औरत के पति को। और सडनली वहाँ पे पुलिस आ जाती है, वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे मीका आती है अपने घर, यहाँ पे देखती है उसका लैपटॉप डेड हो रहा होता है। वो मैसेज करती है कि मेरा सारा प्रोजेक्ट है वो डाउन हो रहा है, मुझे नीड है, मैं क्या करूं क्योंकि मुझे अभी सबमिट करना है। और यहाँ पे ली और उसके सर बात कर रहे होते हैं दोनों लोग, और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे भी आगे देश को तुम्हारे जैसे युवक की ज़रूरत है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही होती है किस तरीके से गन शूट करना है। यहाँ पे ली सबको बता रहा होता है, एक लाइन से सारे लोग खड़े होते हैं यहाँ पे गन पॉइंट किस तरीके से रखना है, क्या करना है। एंड उधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे मीका अपनी साइकिल लेके जा रही होती है, तभी सडनली वहाँ पे उसकी चेन गिर जाती है। अब वो टेंशन में चली जाती है कि अब वो क्या करे। तभी सडनली वहाँ से जा रहे होते हैं डॉक्टर सु, तो उसे देख लेते हैं। तो डॉक्टर सु बोलते हैं मीका कम हेयर। हाँ, तो बोलती है नहीं मैं चली जाऊँगी। तो बोलते हैं अरे आओ ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें घर। तो बोलती है ठीक है। फिर दोनों लोग जा रहे होते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर सु बोलता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ गलत है क्या, हो सकता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। तो यहाँ पे बोलती है नहीं मैं बस बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे बोलता है डॉक्टर सु टायर्ड किस बात के लिए। तो बोलती है मेरे काम के लिए मेरा पेपर जितना था ना वो कंप्यूटर में अब वो डाउन पड़ा हुआ है, वो ऑन ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं थोड़ी टेंशन में थी कि उनको सबमिट करना था। तो बोलता अरे ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी टेंशन लिया था। वो उसे हंसाता बहुत हंस देती है कस के। मीका बोलती है थैंक यू सो मच। फिर वो अपने घर चली जाती है, तभी सडनली वहाँ पर मैसेज आता है और डॉक्टर सु उसे जितना प्रोजेक्ट था वो भेज देता है, बोलता है लो इससे तुम्हारा सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे सारे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं लीक, यहाँ पे मीका, और यहाँ पे मीका काफ़ी हंस रही होती है। तो ली बोलता है क्या हुआ तुम्हें, इतना तुम हंस क्यों रही हो। तो यहाँ पे बोलती है कि ये लोग ड्रिंक ऐसे कर रहे हैं जैसे पानी की तरह पी रहे हैं। तो यहाँ बोलता है अरे कभी कभी तो मिलता है ना ये सारी चीज़ें, इस वजह से ये लोग पानी और ड्रिंक में ना कुछ भी नहीं समझते हैं, बस गट 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 करके पी जाते हैं। यहाँ पे दोनों लोग हंस रहे होते हैं। यहाँ पे एक न्यू लड़की आती है, ज्वाइनिंग उसका हुआ होता है, सारे लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, सब लोग बोलते हैं यस हम लोग सब बेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे ली और उसके फिल्म बता रहा होता है, पता है लड़कियाँ सब बहुत अजीब होती हैं, अगर कुछ अच्छा बोलो चलो मूवी देखने तो नहीं 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 जाऊँगी, और अगर नहीं बोलो तो पूछती है नहीं लेके जाते हो तुम तो कहीं, ना यहाँ जाते हो घुमाने ना वहाँ लेके जाते हो, कुछ समझ ही नहीं आता उसकी, ना में हाँ होता है या हाँ में ना होता है। यहाँ पर बोल के वो चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे ली सोचता है कि मैं मीका को बोलूं और कहीं उसने मना कर दिया तो, क्योंकि इसके अपन के दिमाग में घूम रही होती है बात। तभी सडनली वो कॉल करता है और यहाँ पे बोलती सर आपने कॉल किया क्या हुआ सब ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है ली कि हाँ सब ठीक है, क्या कर रही थी तुम। तो कुछ नहीं बस सोने की कोशिश कर रही थी। तो अच्छा, तो बोलता है आई एम सॉरी। तो यहाँ पे बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, बट वो दो बार ना जा पाया फ्रेंड, क्योंकि बार बार जब भी उसको जाने वाला होता था कभी नाइट ऑफिस उसकी हो जाती थी, कभी कुछ इमरजेंसी पड़ जाता था, जिसके वजह से वो मीका को बाहर लेके नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे बोलता है कि ये थर्ड टाइम है, मीका बोलती है कि आपका ये थर्ड टाइम है। तो यहाँ पे ली बोलता है कि मैंने तो अपना प्रॉमिस तोड़ ही दिया और क्या तुम मुझे कुछ पनिशमेंट देना चाहती हो। तो यहाँ पे बोलती है मीका मैं क्यों दूँ कुछ पनिशमेंट,
मैं कौन होती हूँ, मुझे पता है कि आपका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको मना करूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोगों की नीड है आपको, तो मैं इस तरीके से नहीं बोल सकती हूँ कि आप लेके जाओ। और आप इस चीज़ को अपने आप में रिग्रेट फील मत करो कि मेरी वजह से मैं एक बार नहीं दो बार उसको बोल के नहीं ले जाया, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। और अगर इस जगह पे मैं भी होती तो मैं भी ये करती, क्योंकि वो ली को बहुत बुरा लग रहा था। फ्रेंड एक बार नहीं प्रॉमिस करके, दो बार नहीं प्रॉमिस करके, दोनों बार लेके नहीं जाता और थर्ड टाइम प्रॉमिस फिर से जो करता है, तो वो देखिए पूरा कब होता है। और उसके बाद वो दोनों लोग बहुत देर तक बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे सडनली फ्रेंड देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक आ जाता है, पूरा हिलने डोलने लगते हैं। यहाँ पे सारे लोग जा रहे होते हैं, हॉस्पिटल से भाग रहे होते हैं। सब लोग वहाँ पे बोलते हैं आराम से सब ठीक हो जाएगा, इतना आप लोग इस तरीके से नहीं करिए। गांव क्षेत्र की हालत बहुत बुरी होती है फ्रेंड वहाँ की। तभी ली को ये चीज़ पता चलती है, ली सारे लोगों को बुलाता है इधर यहाँ पे। और इधर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मीका जितने की टीम होती है मीका की, वहाँ पे सारे लोग आज के डॉक्टर सारे बता रहे होते हैं कि हम लोगों को वहाँ जाना है एक टीम में, क्योंकि वहाँ बहुत नीड है लोगों को बहुत ज़्यादा इस भूकंप के झटके से, अर्थक्वेक की वजह से चोट लगी है, कितने लोग घायल हुए हैं, वहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये सारे लोग टीम बना के जाते हैं, तो यहाँ पर सब लोग जा रहे होते हैं। इधर ली सबको बता रहा होता कि हम लोग को अपना टीम बना के जाना है, किस तरीके से वहाँ सारे लोगों की हेल्प करनी है। बहुत बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है फ्रेंड, यहाँ पे सब तहलका मच जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे सारे लोग जा रहे होते हैं, यहाँ पे मीका भी लाइन में लग के जा रही होती है, और मीका देखती है ली को, बट ली अपना ट्रेनिंग दे रहा होता है वहाँ जाने के लिए, और वो देखती है फिर से और चली जाती है। जैसे ही वो बस पे चढ़ती है तब ली पलट के देखता है, बट फ्रेंड वो अंदर जा चुकी होती है। एंड यहाँ ये लोग बाहर आ जाते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हुए रहते हैं, सारे लोगों को यहाँ पे बचा रहे होते हैं। यहाँ पे ली आता है, ली बोलता है डॉक्टर भी मुझे आपकी नीड है, तो यहाँ पे बोलती है मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ मैं क्या करूँ, तो बोलती है प्लीज़ किसी को आप भेजिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ सारे लोगों को नीड है डॉक्टर की ट्रीटमेंट की, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा डेंजर में है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देखें। वहाँ पे जल्दी से जाती है, बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में वो इंसान रहता है एकदम। इधर कमांडर की माँ कॉल करती है, बोलती है वहाँ सब कैसा है, यहाँ पे बोलता है सब कुछ ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, बस अपना ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ली भी काफ़ी टेंशन में हो जाता है, क्योंकि बहुत ही वहाँ का माहौल एकदम बिगड़ चुका था फ्रेंड। और वहाँ पे सारे टीम को इकट्ठा करके डॉक्टर लोग सब बता रहे होते हैं जितना जल्दी हो हम लोगों को इमीडिएटली काम करना है, हर जगह कोई देखेगा नहीं, जिसको जहाँ जो पेशेंट मिलता जाएगा आप सबको वहाँ वहाँ जाके काम करना है। और ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।